हेलो एवरीवन, माय नेम इज रविंद्र। तो आज हम जो है पावर ऑफ कंपोनेंट्स के बारे में सीखेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पावर ऑफ जो है आज इस पॉइंट में हम क्या क्या डिस्कवर करने वाले इस सेशन में। तो पावर ऑफ कंपोनेंट्स क्या होते हैं, डिफरेंस क्या होगा पावर ऑफ और पावर कंपोनेंट्स में, कंपोनेंट लाइब्रेरी में कंपोनेंट लाइब्रेरी कैसे यूज करनी है, क्रिएशन ऑफ कंपोनेंट्स मतलब कैसे कंपोनेंट को हमको यूज करना है, सम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो कंपोनेंट्स जो है बेसिकली हम जो है हमारा जो एप्लीकेशन होता है उसको जल्दी से बिल्ड करने के लिए पहले से ही छोटे छोटे एप्लीकेशन के जो पार्ट्स होते हैं वो हम बना के रखते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारा जो एप्लीकेशन होता है वो जल्दी से बिल्ड होने में हमको जो है आसानी मिलती है। ओके, तो इससे जो है हम डाटा एडिट, अपडेट, बटन, कुछ जो भी आपको कंपोनेंट मतलब जो आपको बार बार यूज करना पड़ सकता है, मतलब नेविगेशन बटन्स, लेफ्ट नेविगेशन बटन्स, टाइमर कंट्रोल, नंबर कंट्रोल्स, दैट यू कैन बिल्ड दैट कंपोनेंट्स एंड यूज टू योर सेल्फ एज वेल एज यू कैन शेयर इट ऑल्सो यू। तो वो जो होगा वो आप आपके ऑर्गेनाइजेशन में भी शेयर करके यूज कर सकते हो कंपोनेंट्स को। यहाँ पे लिंक भी मैंने आपको जो है दे के रखा है जो माइक्रोसॉफ्ट का डॉक्स है, तो वहाँ से आपको और इंफॉर्मेशन चाहिए होगी कंपोनेंट्स के बारे में, तो आप यहाँ पे जाके जो है चेकआउट कर सकते हो। कंपोनेंट लाइब्रेरी क्या होती है? ओके, जैसे हमारा पावर एप्स के जो एप्लीकेशन है वो एप्स में दिखाते हैं। ओके, तो वैसे कंपोनेंट्स जो लाइब्रेरी जो होती है वो कंपोनेंट्स जो हमारा छोटे छोटे काम मतलब मान के एग्जांपल के ले लो कि हमने चार कंपोनेंट बना लिए, तो उन कंपोनेंट को एक लाइब्रेरी में जो है हम कलेक्ट कर देते हैं और उस लाइब्रेरी को नाम देते हैं, तो उसे कहा जाता है कंपोनेंट लाइब्रेरी। तो हम इसे पब्लिश भी कर सकते हैं, मतलब अगर हमने कंपोनेंट्स में कुछ एडिट वगैरह कर दिया तो उसमें जो है हम एडिट वगैरह करके जो है चेंजेस वगैरह कंपोनेंट्स में कर सकते हैं। बट इससे क्या होगा कि जो भी आपका कंपोनेंट में आप चेंजेस करोगे वो आपके एप्लीकेशन में भी चेंज हो जाएगी। ये वही लिखा है यहाँ पे सब कुछ। ओके, और यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन कंपोनेंट्स एंड ऐप जो हम पावर ऐप में बिल्ड करते हैं। तो फर्स्ट जो है कंपोनेंट लाइब्रेरी प्रोवाइड्स अ सेंट्रलाइज्ड मैनेज रिपोजिटरी ऑफ कंपोनेंट्स फॉर रीयूजेबिलिटी, मतलब जो है कंपोनेंट्स हम जो मल्टीपल एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं जहाँ पे चाहे वहाँ पे, और जितनी बार आपको यूज करना है मतलब एक बार, दो बार, तीन बार एप्लीकेशन में, तो हम उसका रीयूज कर सकते हैं कंपोनेंट्स का, इंसर्ट कर सकते हैं। आपको जो इंसर्ट की जो प्रोसेस है वही यहाँ पे दी गई, इंसर्ट अ प्लेन ऑन लेफ्ट नेविगेशन डिफॉल्ट कंपोनेंट टैब। मैं आपको जो प्रैक्टिकली बता दूंगा कैसे इंसर्ट करना होता है कंपोनेंट्स, कैसे हमारा सेव कंपोनेंट यूज करना होता है। ओके, यू कैन प्रीव्यू कंपोनेंट लाइब्रेरी यूजिंग स्क्रीन इनसाइड द लाइब्रेरी, मतलब आपका जो है कंपोनेंट जो है वो आप प्रेजेंट नहीं कर सकते, मतलब जो यह फायदा भाई कि आप जो प्रिंट देखते हैं बड़े स्केल में जो एप्लीकेशन, उस तरह से आप जो है कंपोनेंट्स को देख नहीं सकते। तो आपका ये जो कंपोनेंट्स होता है वो खाली डेवलपमेंट और प्रैक्टिस पर्पस के लिए दिया जाता है। ओके, थर्ड पॉइंट इज कंपोनेंट्स फॉर पावर एप्स। लेट्स वी गो एंड क्रिएट वन सैंपल कंपोनेंट्स दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट्स आर कंपोनेंट्स। ओके, फर्स्ट स्टेप्स आर पावर एप्स कंपोनेंट फ्रेमवर्क्स वी हैव टू डिफॉल्ट वी वांट टू क्रिएट इट ऑन। ओके, वी गो हाउ यू कैन चेंज इट। ओके, गो ऑन फर्स्ट सेटिंग एडमिन सेंटर, आपका एडमिन सेंटर में जाना है। एडमिन सेंटर के जाने के बाद आपके जो भी एनवायरनमेंट वगैरह होगी वहाँ पे आपको जो एनवायरनमेंट के अंदर वो सेटिंग एक इनेबल करनी, तो बाय डिफॉल्ट जो है वो आपकी ऑफ रहेगी। तो वही मैं आपको बता दूँ कैसे प्रोसेस है वो। हम यहाँ पे जाते हैं एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के डिफॉल्ट में जाएंगे, इस सेटिंग सेटिंग्स में जाने के बाद जो है वो आप कंपोनेंट डाल कर भी सर्च कर सकते हो
सीधे आप एआई बिल्डर जो फीचर्स होते हैं ओके उसके अंदर और डीप में जाने जाने आपको। और यहाँ पे नीचे आप अगर थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो पावर ऐप कंपोनेंट फ्रेमवर्क फॉर कैनवास ऐप, यू कैन सी हेयर दिस फीचर इज ऑफ योर टू ऑन इट ओके। आफ्टर ऑन हेयर इज सेव ऑप्शन, यू हैव टू सेव इट, देन इट यू कैन यूज योर कंपोनेंट्स इन पावर एप्स। जो आपके कंपोनेंट्स है वो आप पावर एप्स में यूज कर सकते हो ओके। तो कहाँ से क्रिएट करने होते कंपोनेंट्स, यहाँ पे आप अगर एप्स में जाओगे उसके बाद जो थे कंपोनेंट लाइब्रेरी, यहाँ पे जो है नंबर कंट्रोल में पहले से तैयार करके रखा है एक नेविगेशन कंपोनेंट। हम लोग जो है बेसिक एक सिंपल वाला हेडर कंपोनेंट तैयार करना सीख लेंगे। ये कट कर देता हूँ मैं, तो मैं आपको डेमो दिखा दूँ स्टेप वाइज, तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि कैसे कंपोनेंट्स आप क्रिएट कर सकते हो आपके एप्लीकेशन में। ये मैंने पहले से करके रखा है, हम एक और नया ऐड कर देते हैं। न्यू कंपोनेंट, रीनेम दैट कंपोनेंट फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज जो आपके कंपोनेंट है वो आपको रीनेम करना रिक्वायरमेंट है ताकि आप सर्च कर सके ओके। हम इसका नाम देते हैं हेडर कंपोनेंट नंबर वन ओके। हो गया हमारा रीनेम। इसकी साइज जो है हम चेंज कर दे, हाइट जो है 100 रख देंगे, और जो विड्थ होगी विड्थ प्रॉपर्टी हम इसको एडिट करेंगे 1। जो हमारी स्क्रीन की जो है होगी साइज वही हम जो है लेंगे। ये न्यू स्क्रीन मैंने ले ली, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो स्क्रीन की विड्थ है एप डॉक मैक्स विड्थ ये कॉपी कर लेने की यहाँ से, और एक कंपोनेंट की जो विड्थ है वो आप पेस्ट कर दें। तो इससे क्या होगा मैं आपको इस फॉर्म मिनिमम बता दूँ, जो भी मैक्सिमम आपकी स्क्रीन की जो साइज होगी मैक्स ऐप डॉट विड्थ, मतलब आपने अगर मोबाइल एप्लीकेशन या लैपटॉप या टैबलेट में ओपन की तो ये जो विड्थ होगी ये ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी उस एप्लीकेशन के द्वारा ओके। तो ये तो हो गए विड्थ, तो हमको इसमें क्या क्या लगाना पड़ेगा भाई, हेडर बना रहे तो उसमें एक कलर करने के लिए एक लेबल लगा देते हैं। इंसर्ट हेयर वन लेबल प्रॉपर्टी टेक्स वी चेंज द टेक्स टू हेयर होम सेंटर मेक इट बोल्ड फॉन्ट साइज 32 सफिशिएंट ओके। वी ऐड हेयर कलर टॉवर लेबल फिल कलर वी टेक हेयर ब्लू कलर। तो जो है हम फिल कलर मैं अभी ब्लू कर देता हूँ ओके। उसके बाद हम जो है इसमें थोड़े आइकॉन ऐड कर देंगे, होम में आइकॉन ऐड कर देते हैं। इसकी भी जो साइज है वो हम इसका साइज फिक्स होम, एक बैक के लिए एक एरो ले लेते हैं होम बैक एरो। जो आप इसका जो है यूआई आप आपकी मर्जी सेट कर सकते हो, ये सिंपल यूआई मैंने अभी ले लिया। बैक में हम ऑन सेलेक्ट में फॉर्मूला भी लगा लेते हैं, बैक का बैक ट्रांजिशन इम्पैक्ट आपको जो चाहिए वो, और क्लोज हो गया। होम के लिए फॉल्स रहने थे ओके। तो एक कस्टम प्रॉपर्टी सेव ओके। तो एक जो हम कस्टम प्रॉपर्टी क्रिएट करते हैं
ताकि इससे जो है हम हमारा जो कंपोनेंट है उसके टेक्स्ट वगैरह चेंज कर सके। ओके तो वी सिलेक्ट, हम जो है पहले कंपोनेंट सिलेक्ट करेंगे, न्यू प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को नाम देंगे एक, चलो हम नाम दे देते हैं टेक्स्ट ऑफ हेडर। ओके इनपुट टेक्स्ट टेक्स्ट, ओके वी क्रिएटेड हेयर टेक्स्ट प्रॉपर्टी। यू कैन चेंज द एज पर योर लेवल। वॉट यू वॉन्ट टू डू हेयर, यू हैव टू सेट टेक्स्ट प्रॉपर्टी। We have to use text for text we have to do and label header component first। हमारे जो भी नाम है component का उसका दे देंगे है। हेडर कंपोनेंट वन डॉट जो भी हमारी प्रॉपर्टी हमने जो है दी थी टेक्स हेडर प्रॉपर्टी हियर। ओके ऑल इज डन, वी कैन पब्लिश इट ऑन फाइल्स सेव। पब्लिश पब्लिश दिस वर्जन, हम एक और प्रॉपर्टी ऐड कर देते कलर चेंज करने के लिए टेक्स्ट का। ओके इसका नाम देते कलर ऑफ टेक्स्ट। तो इनपुट में जो है वो हम इनपुट प्रॉपर्टी रहने देते, और टेक्स्ट में जो है कलर, यहाँ पे हमको कलर चेंज करना है तो कलर को क्रिएट। ओके डन, कंट्रोल सेव। नाउ वी कैन यूज इट इन स्क्रीन, आवर स्क्रीन, हाउ टू यूज इट आई विल शो टू यू। दिस इज थर्ड स्क्रीन आवर, इंसर्ट कस्टम प्रॉपर्टी हेडर कंपोनेंट वन। लेट्स सी हेयर आवर कंपोनेंट इज इंस्टॉल, वी कैन चेंज द टेक्स्ट फ्रॉम हेयर। दिस इज स्क्रीन थ्री, स्क्रीन थ्री टेक्स इट चेंज कलर ऑन टू व्हाइट, व्हाइट ऑन लेबल। तो हमें जो लेबल का कलर जो चेंज करना होगा, तो यहां से जो है कलर, ओके यू हैव टू सेट टू लेट्स सी ऑरेंज, वी सेट हेयर ऑरेंज। ओके नाउ यू कैन सी हेयर ऑरेंज दिस स्टेप। ओके वी क्रिएट वन मोर कंपोनेंट फॉर आउटपुट प्रॉपर्टी फॉर सिलेक्टेड आइटम लाइक दिस। इफ वी शो हाउ दिस, ये जो है ये कैसे काम करते हैं पहले वो दिखाना जरूरी। तो ये आगे हमारे स्क्रीन, इसमें हमने अभी देख लिया कि कंपोनेंट्स जो है पावर एप्स में, कैनवास ऐप में कैसे यूज करते हैं। ओके कैसे उनको इम्प्लीमेंट करते हैं स्क्रीन्स में, मैं वो आपको एक और बार दिखा देता हूँ। ओके तो हम आगे पावर एप्स डॉट्स के इसमें ओके कर देते हैं, स्क्रीन्स में आ जाते हैं। अभी हम होम इंसर्ट टैब में जाएंगे कस्टम, तो यहाँ से जो आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है आपके कंपोनेंट्स कर सकते हो, एक्सपोर्ट करके आप जो है डाउनलोड कर सकते हो जो भी आपको चाहिए। ओके डाउनलोड करके जो है वो आपके गिटहब
अकाउंट जो है मेरा, ठीक, वहाँ पे डाल के दिया है, या इस प्रेजेंटेशन लिंक में आपको जो है कमेंट्स में और इसमें दे दूंगा हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से आप ले सकते हो। क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं पावर ऐप कंपोनेंट्स के, तो हम इसे जो है इजीली एक्सेस कर सकते हैं वेब से, सपोर्ट करता है वेब्स को, जल्दी से यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं, तो ऐसे जो है इसके एडवांटेजेस होते हैं बेसिकली। तो समरी हमने इसमें जो है कंपोनेंट कैसे क्रिएट करते हैं, क्या होते हैं कंपोनेंट्स, कैसे यूज करते हैं, कैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, और एक हमने डेमो देखा कि हेडर कंपोनेंट क्या होता है उसके बारे में। ओके, तो आपको कोई भी डाउट्स वगैरह होगा तो मैं आपको जो लिंक से अदर मेरे से कनेक्ट करने की, मैं आपको वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से आप जो चेकआउट चेकिंग कर सकते हो। यहाँ से मैं आपको एक और जैसे आउटपुट प्रॉपर्टी का एक वीडियो में यहाँ पे आपको डाल दूंगा, और यहाँ पे जो है एक सब्सक्राइब का जो है बटन आपको डाल दूंगा।